Welcome to your short and easy class of account. Today's our topic is accounting equation. So let's start it. What is accounting equation? Accounting equation है क्या? जिसे हम लोग हिंदी में लेखांकन समीकरण भी कहते हैं. The fundamental accounting equation is known as the foundation for the double entry bookkeeping system. Accounting it is a mathematical expression which shows that assets and liabilities of a firm are equal. मतलब यह एक mathematical expression होता है जो कि हमें यह बतलाता है कि हमारे firm में जो भी assets and liabilities use की गई हैं वो कैसी हैं, equal है. It means assets are equal to liabilities plus capital. ठीक, अब बात आती है कि assets और liabilities है क्या. As you know, capital ये आप जानते हैं कि ये बेसिक कैश होता है जो आप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगाते हैं. ठीक, अब बात आती है एसेट्स क्या है. तो भाई आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस में क्या लगा दिया, बिल्डिंग लगा दिया. बिल्डिंग के साथ ही कुछ मशीन्स की ज़रूरत हुई तो मशीन्स भी आपने खरीद ली. मशीन्स के अलावा कैश तो है ही भाई, हर काम के लिए कैश की ज़रूरत होती है. स्टॉक हो गया, स्टॉक के बाद आपके डेटर्स हो गए. ये सारी चीज़ें और भी हैं. फॉर एग्जाम्पल कैश एट बैंक. अगर हम लोग एसेट्स के बारे में बात करें तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट जाती है. ठीक है, जो कि हम लोग टाइम टू टाइम अपने एक वीडियोस पे शेयर करते जाएंगे. ये है हमारे एसेट्स जो कि स्पेशली बेसिकली आपको इन सब में ज़रूरत पड़ेगा इस वीडियो के तहत. अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ क्या है. तो भाई लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें आपको टाइम टू टाइम पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी भी क्रेडिट परचेजिंग की है तो क्रेडिट परचेज करते वक्त आपके ऊपर एक कर्ज बन जाता है. ठीक, आपको सामने वाले को कुछ पैसे देने पड़ते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं. क्रेडिटर्स आपके फर्म के वो साइड होते हैं जिन्हें आपको एक निश्चित टाइम के बाद कुछ पेमेंट पे करना होता है. इसके क्रेडिटर्स के अलावा आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये आपके क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्रेडिटर्स हैं, सॉरी कुछ इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटीज हैं. ठीक, तो हमारे एसेट्स क्या कहता है, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. मतलब हमारे जो एसेट्स हैं इनका टोटल किसके बराबर होता है, हमारे फर्म में यूज की गई लाइबिलिटीज और कैश के बराबर. तो हम लोग इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं सम ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे बिजनेस में यूज होते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है. ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन के टू साइड्स होते हैं. मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के कितने साइड्स होते हैं, टू साइड्स होते हैं. ठीक, एक साइड हमारा डेबिट कहलाता है और दूसरा साइड हमारा क्रेडिट साइड पे जाता है. ठीक, अब इन्हीं टर्म्स को हमें क्या करना रहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना रहता है. कुल मिलाकर के अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे एक ट्रांजेक्शन के सारे साइड्स को लेकर के चला जाता है. अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज समझने के बाद अब हम लोग चलिए टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000. तो चलिए ये क्वेश्चन है आपका, हम लोग इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व करते हैं. ओके, सो हियर इज एक पेज ले लेते हैं और इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले ट्रांजेक्शन में क्या कहा गया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. मतलब हम अपने बिजनेस में कैश लगा रहे हैं तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या एंट्री होगी, कैश की इधर एंट्री होगी. दूसरा हमारा लाइबिलिटी क्या बढ़ जाएगा, एज अ कैपिटल बढ़ जाएगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, माल को मतलब गुड्स को उधार खरीद रहे हैं. ठीक है, तो उधार जब खरीदेंगे तो हमारे पास इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक तरफ हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा. अब थर्ड है हम लोगों का परचेज
सॉरी पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें हम 17,500 में फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी खरीद रहे हैं तो हमारे तरफ हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में एक और मशीनरी बढ़ेगी और दूसरी तरफ हमारा कैश क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000, ठीक, हमारे मशीनरी पर क्या है 2000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसे, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बन गया है, अब हम लोग इसे इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, सीरियल नंबर पे फर्स्ट एंट्री कर देंगे, एंट्री क्या है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 70,000। तो ये एक तरफ हमारा कैश इंक्रीज कर रहा है 70,000 से, दूसरी तरफ ये हमारा कैपिटल इंक्रीज कर रहा है 70,000 से। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे विच इज क्रेडिट परचेज, विच इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000। तो हम लोग जब क्रेडिट परचेज करेंगे गुड्स का तो एक तरफ ये हमारा क्या करेगा, स्टॉक को इंक्रीज कर देगा 18,000 से, ओके, और दूसरी तरफ ये हमारे क्रेडिटर्स को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 18,000 से, और बाकी हमारे कोई भी हेड्स क्या होंगी, अनइफेक्टेड रहेंगे सिवाय स्टॉक और क्रेडिटर्स की। मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन सिर्फ दो साइड्स पे क्या करेगा, आपको इफेक्ट करेगा, और कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो थ्री साइड्स को भी इफेक्ट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते वक्त न्यू इक्वेशन नहीं बनता है, हमेशा सेकंड इक्वेशन सॉरी सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद ही हमारा क्या बनता है, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बन जाएगा हमारा कैश 70,000 से, देन स्टॉक 18,000, मशीनरी अभी जीरो है, क्रेडिटर्स हमारा 18,000 है, प्लस कैपिटल क्या है 70,000। ठीक, थर्ड हमारा क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, रुपीज 17,500। जब हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो एक तरफ ये हमारा कैश को क्या कर देगा, कम कर देगा, हम लोग क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा एक तरफ कैश क्या हो जाएगा, कम होगा 17,500 से, दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे फुल 18,000 से। क्यों, क्योंकि हम लोग इन्हें फुल सेटलमेंट पर दे रहे हैं। ठीक, मतलब कि 18,000 के हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 18,000 के, इन्हें हम लोग 17,500 में दे करके फ्री कर रहे हैं, तो हमको फाइनली प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 का हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल पे ऐड कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अनचेंज रहेंगी, मीन्स स्टॉक और मशीनरी पे कोई चेंज नहीं रहेगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पर क्या बना दें, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। ठीक, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, न्यू इक्वेशन बनता जाएगा। 70,000 में 17,500 माइनस करने पर 52,500 आ जाएगा, प्लस स्टॉक में 18,000, मशीनरी हमारा जीरो, क्रेडिटर्स जीरो, एंड कैपिटल हमारा आ जाएगा 70,500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, ये हमने 20,000 पे परचेज किया है, क्योंकि ये कैश होने की वजह से ये एक तरफ हमारा कैश माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा मशीनरी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, और बाकी सब क्या होंगे, अनरिमेन रहेंगे, मतलब अनचेंज रहेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 50 में 20 माइनस हो जाएगा 52,000 में, तो आ जाएगा 42,500, प्लस
स्टॉक हमारा 18,000, मशीनरी 20,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर्स जीरो और कैपिटल हो जाएगा हमारा 70,500। अब हम लोग न्यू इक्वेशन बना लिए हैं। अब लास्ट हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। कैश हो जाएगा इसमें अनचेंज, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है डायरेक्ट मशीन पर, जो कि हमारे लिए क्या है, एक लॉस है, और यही लॉस डायरेक्ट कहाँ लेस होगा, कैपिटल पे। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं और यहाँ कैपिटल पे चार्ज कर देते हैं। तो कैश हो जाएगा हमारा फाइनली न्यू इक्वेशन पे 42,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी 18,000, क्रेडिटर्स जीरो एंड कैपिटल 68,500।